नमस्कार, स्वागत है आपका इस ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन ई लर्निंग जो कराया जा रहा है SNDT वुमेन्स यूनिवर्सिटी मुंबई डॉक्टर अंबेडकर चेयर द्वारा इन कोलैबोरेशन विद PVDT कॉलेज ऑफ एजुकेशन फॉर वुमेन मुंबई। मैं हूँ शिखा मिनानी, असिस्टेंट प्रोफेसर PGDAV कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। नमस्कार, स्वागत है आपका इस FTP में जिसमें आज हम सीखेंगे कि कैसे आप अपनी कस्टमाइज्ड गूगल साइट्स बना सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि गूगल साइट्स को हम ओपन कैसे करेंगे। गूगल साइट्स को खोलने के दो तरीके हैं, एक आपके जी सूट अकाउंट के द्वारा और दूसरा आपके पर्सनल नॉर्मल जीमेल अकाउंट के द्वारा। तो पहले हम देखते हैं कि आप जी सूट अकाउंट से कैसे अपनी गूगल साइट बना सकते हैं। उसके लिए आप अपने गूगल ऐप्स पे क्लिक करेंगे और वहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको ये साइट्स का पेज दिखाई देगा। तो हम इस साइट्स के आइकन को क्लिक करेंगे और जैसे ही हम साइट्स के आइकन को क्लिक करेंगे हमें यहाँ दिखेगा न्यू गूगल साइट्स। हम इस न्यू गूगल साइट्स को क्लिक करेंगे और हमारे पास कुछ ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड साइट्स के टेम्पलेट्स भी हैं, आप चाहें तो उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आप अपनी खुद की वेबसाइट बना सकते हैं। उसके लिए हम ब्लैंक साइट को चूज़ करेंगे। जैसे ही हमने ब्लैंक साइट को सिलेक्ट किया ये हमारा होम पेज खुल जाएगा। दूसरा तरीका है, अगर आपके पास जी सूट अकाउंट नहीं है तो आप अपने नॉर्मल जीमेल अकाउंट पे जाएंगे, वहाँ पे आप अपनी ड्राइव खोलेंगे और ड्राइव से हम जाएंगे न्यू। न्यू के बाद हम क्लिक करेंगे मोर पर और मोर से हम जाएंगे गूगल साइट्स पे। तो आप देख सकते हैं कि हम दोनों तरीके के अकाउंट्स, चाहे वो जी सूट द्वारा लिंक्ड हो या नहीं, आप अपने गूगल साइट्स बना सकते हैं। तो ये है हमारा गूगल साइट्स और मैं अपने नॉर्मल जीमेल अकाउंट से ही बनाऊंगी। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि अब हम कैसे इसे चेंज करेंगे। तो सबसे पहले मुझे इसका नाम बदलना है, मैंने इसका नाम कर दिया FDP3। आप इसको कहीं और भी लेके जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप इसे साइड में लेके जाना चाहते हैं तो आप इसको वहाँ भी लेके जा सकते हैं। आप इसको बोल्ड कर सकते हैं, आप इसका फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं। तो इसको हम यहाँ पे लेके जाएंगे और आपको अगर नहीं चाहिए तो आप उसको हटा भी सकते हैं। मुझे ये नहीं चाहिए क्योंकि मैं यहाँ पे अपना बैनर लगाना चाहती हूँ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे चेंज इमेज पे। चेंज इमेज पे जब हम क्लिक करेंगे हमारे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक हम अपलोड कर सकते हैं जो हमारे इस लैपटॉप पे जो भी हमारे पास पिक्चर्स वगैरह हैं हम उनको अपलोड कर सकते हैं, या हम कोई इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं। हम दोनों को ही एक एक करके देखेंगे। पहले हम क्लिक करेंगे अपलोड पर और अपलोड पे आपके डिवाइस पे जो भी पिक्चर आप डालना चाहते हैं आप वो डाल सकते हैं। यहाँ फिर हम जाएंगे, अब हम दिखाते हैं कि कैसे हम इमेज सिलेक्ट कर सकते हैं। इमेज सिलेक्ट करने के लिए वो हमें काफ़ी सारे ऑप्शंस देगा गैलरी, जो बाय डिफ़ॉल्ट काफ़ी सारी इमेजेस ऑलरेडी इस गूगल साइट्स पे हैं। आप इनमें से भी कोई सिलेक्ट कर सकते हैं या आपने अगर कोई YouTube पे ऑलरेडी कोई पिक्चर सर्च की है तो आप उस इमेज का URL यहाँ डाल सकते हैं, या आप कोई इमेज सर्च भी कर सकते हैं। जैसे मैं सर्च करती हूँ डिजिटल एजुकेशन तो उससे रिलेटेड मेरे पास काफ़ी सारी इमेजेस आ गई। यहाँ हम इनमें से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं मगर कॉपीराइट इशू को ध्यान में रखते हुए। ये है मेरी इमेज और यहाँ पे अगर हम कुछ लिखना चाहें तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम नीचे आते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें इसमें डालनी है। उसके लिए पहले आप इधर सीधे हाथ को देखेंगे तो यहाँ पे तीन बटन्स आपको नज़र आएंगे, इंसर्ट, पेजेस और थीम्स। सबसे पहले हम चलते हैं थीम्स पर। इस थीम्स में आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट ये 6 वर्जन जो हैं अवेलेबल हैं, सिंपल, एरिस्टोटल, डिप्लोमैट, विजन, लेवल और इम्प्रेशन। आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं।
अगर आप इम्प्रेशन चूज कर रहे हैं, और उसके साथ साथ आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये था हमारा थीम्स, तो आप अपने हिसाब से अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज कर पाएंगे। अब हम चलते हैं इंसर्ट। इंसर्ट में अब हम जब नीचे जाएंगे तो इंसर्ट में हम काफ़ी सारी चीज़ें इंसर्ट कर सकते हैं कि क्या आप टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना चाहते हैं, इमेजेस, आप ड्राइव से कुछ लेना चाहते हैं, या कोई एम्बेडेड आप कोई चीज़ यहाँ पर ला के डालना चाहते हैं। जैसे जब हमने H5P सीखा था तो वहाँ हमने देखा था कि हम एम्बेडेड काफ़ी सारी चीज़ें कॉगल से भी हम एम्बेडेड ला के हम यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं। आप दूसरा ऑप्शन है, अगर हम चाहते हैं कि फर्स्ट पेज पे सिर्फ हमारे पास ये पूरा बैनर हो, तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे हेडर टाइप पे और वहाँ हम क्लिक करेंगे लार्ज बैनर पे। तो आप देखेंगे ये बड़ा हो गया है बैनर। और अगर आप पूरा कवर पेज बनाना चाहते हैं तो हम कवर पे क्लिक करेंगे, तो फर्स्ट पेज पे सिर्फ आपकी इमेज है और नेक्स्ट पेजेस आप ऐड कर सकते हैं जिसके अंदर आप बाकी चीज़ें डाल सकते हैं, लेकिन हमें छोटा बैनर ही चाहिए तो हम उसी पे वापस चलेंगे। अब दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें अपनी साइट को नाम देना है, तो आप इस पे टॉप लेफ्ट में आप कोई भी नाम दे सकते हैं, FDP3, और वो ऑटोमेटिकली नाम आपका यहाँ पे भी आ जाएगा, जिससे आपको ड्राइव में इसे ढूंढने में आसानी होगी। अब हम ऐड करेंगे टेक्स्ट, उसके लिए हम जाएंगे इंसर्ट पे, हम क्लिक करेंगे टेक्स्ट बॉक्स पे, तो हम देखेंगे हमारा टेक्स्ट बॉक्स आ गया है। यहाँ हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं, और अगर मैं चाहती हूँ कि इसके बाद एक लाइन आए, हम इसको डिवाइड करना चाहते हैं, तो हम नीचे जाएंगे और यहाँ हम देख सकते हैं हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, कोलैप्सिबल टेक्स्ट, टेबल ऑफ कंटेंट, इमेज, बटन, डिवाइडर। तो मैं क्लिक करूँगी डिवाइडर पर, इससे अब मेरा जो ये सेगमेंट है ये डिवाइड हो गया। नेक्स्ट पे अगर मैं इंसर्ट करना चाहती हूँ टेबल ऑफ कंटेंट्स, तो टेबल ऑफ कंटेंट्स का मतलब है कि आप नीचे जो जो भी हेडिंग्स ऐड करेंगे ऑटोमेटिकली उसकी ये टेबल बनाता जाएगा। तो जैसे अगर मैं यहाँ अब ऐड करना चाहती हूँ, यहाँ अब मैं ऐड करूँगी एक टेक्स्ट के अंदर ड्यूरेशन, और हमें ये ध्यान रखना है कि इसे हमें हेडिंग में कन्वर्ट करना है, क्योंकि जो हेडिंग्स होंगी सिर्फ वही टेबल ऑफ कंटेंट में आएगा और कुछ नहीं। ड्यूरेशन के अंदर हम मेंशन कर सकते हैं 1 week स्टार्टिंग फ्रॉम 29th June टू 4th July। ऐसे ही अब हम नीचे एक और टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, डिवाइडर के बाद हम एक और टेक्स्ट ऐड करेंगे और उस टेक्स्ट बॉक्स की हम हेडिंग देंगे ऑब्जेक्टिव्स। इसको फिर से हम सिलेक्ट करके हमें इसको हेडिंग में कन्वर्ट करना है। आप देखेंगे जब तक मैं हेडिंग में कन्वर्ट नहीं करूँगी तब तक ये ऊपर उसको टेबल ऑफ कंटेंट की तरह नहीं लेगा। टू लर्न सेवरल मेथड्स ऑफ डिजिटल टीचिंग, ठीक है। अब हम ऐसे ही काफ़ी सारी हम चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं, तो ये हमने देखते हैं। अगर आप इसके लेआउट को चेंज करना चाहते हैं तो हम लेआउट पे जाएंगे, यहाँ पे काफ़ी सारे लेआउट हैं आपके पास, आप इनमें से कोई भी लेआउट चूज़ कर सकते हैं। और हम लेआउट का मतलब है हम यहाँ पर आप कुछ भी अपलोड कर सकते हैं अपने डिवाइस से, आप कोई इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं, आप कोई यूट्यूब का वीडियो डाल सकते हैं, तो हम ये सारी चीज़ें भी यहाँ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगी कोई भी यूट्यूब का वीडियो और मैं यहाँ टाइप करूँगी डिजिटल लर्निंग और हम वेट करेंगे तो हमारे पास कोई भी अगर आ गया है हम उसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे वो हम उस इमेज को डाल देंगे। यहाँ पे भी हम कुछ और डाल सकते हैं, हम कुछ अपलोड करना चाहते हैं तो हम उसको डाल सकते हैं, यहाँ पर भी हम कुछ ऐड कर सकते हैं, कैलेंडर या मैप, तो हम लोग मैप ऐड कर देते हैं, अपनी लोकेशन ऐड, वेबसाइट को हम पेज दे सकते हैं। और अगर आप कुछ एक्स्ट्रा डिलीट करना चाहते हैं तो हम उसको बहुत आसानी से डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही मैंने उसको क्लिक किया ऊपर ही ऑप्शन है, हम डिलीट कर देंगे, वेबसाइट बनाई है। अब अगर हम देखना चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट कैसे दिखेगी
तो ऊपर ये प्रीव्यू का ऑप्शन है, आप पब्लिश करने से पहले एक बार इसे प्रीव्यू करके ज़रूर देखिए। तो हमने जब इसे प्रीव्यू किया तो ये है हमारी जो वेबसाइट नज़र आएगी, और इसके अंदर हम जिसको भी क्लिक करेंगे नाउ, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी ये क्लिक नहीं हो रहा है क्योंकि ऊपर लिखा आ रहा है क्लिकिंग लिंक इज़ नॉट अवेलेबल इन प्रीव्यू मोड। मगर जब मैं इसे पब्लिश कर दूंगी तो जैसे ही मैं इसे क्लिक करूंगी ये मुझे ऑटोमेटिकली उसी कंटेंट पर ले जाएगा। तो अब हम इसको एग्जिट करेंगे, यहाँ से क्रॉस करेंगे और हम करेंगे पब्लिश। और जैसे ही हम पब्लिश करेंगे तो ये हमसे एड्रेस मांगेगा कि हम किस नाम से इसको देना चाहते हैं। तो हमने FDP3 दिया, रिक्वेस्ट पब्लिक सर्च इंजन्स टू नॉट डिस्प्ले माई साइट, आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। हम इसे पब्लिश करेंगे और यहाँ पे जाके हम इसका लिंक ले लेंगे। हम इस लिंक को कॉपी करके किसी को भी सेंड कर सकते हैं और वो हमारी वेबसाइट को देख पाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी चीज़ें देखेंगे। धन्यवाद।